हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो आज मैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा और सूजी से डोसा, जो कि बहुत ही इंस्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पोहा ले लिया है। इसको हम लोग अच्छे से वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी में, क्योंकि मार्केट का रहता है, इसलिए हमें जो जब भी पोहा यूज़ कर रहे हैं तो उसको 2 से 3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। और वॉश करने के बाद ना हमको इसी छन्नी में इसको थोड़ी देर के लिए रखे रहने देना है, ताकि इसका जो सारा पानी है वो अच्छे से सूख जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चटनी की प्रिपरेशन करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर, प्याज और 2 हरी मिर्च और 4 लहसुन रख ली हैं। देन हम लोगों ने एक पैन ले लिया है। पैन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद हम लोग इसमें डाल देंगे जो हमने 4 कली लहसुन छील के रखा है, वो हरी मिर्च डाल देंगे, और प्याज और टमाटर जो है वो सारी चीज़ें हम इसमें डाल के इसको लो फ्लेम पे भुनने के लिए रख देंगे, ताकि अच्छे से भुन जाए। और ये वाला जो चटनी है ना, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, स्मोकी फ्लेवर देता है, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग इसको नॉर्मल डेज में भी रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो इसको लो फ्लेम में ही पकाना है, अगर फ्लेम को तेज कर देंगे ना तो जल जाएगा, इसलिए फ्लेम को लो रहने दीजिए और इसको आप लोग पकने दीजिए। तब तक हमारी चटनी का बस वो चटनी पक रही है, तब तक हम यहाँ पे देख सकते हैं पोहा भी हमारा अच्छे से हो गया है सोक्ड पानी में। उसके बाद मैंने 1 कटोरी बड़ी कटोरी पोहा लिया था, तो छोटी कटोरी हम लोग यहाँ पे सूजी लेंगे, पर आधी कटोरी हम लोग यहाँ पे दही ले रहे हैं। आप लोग चाहो तो थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो मिक्स करने के लिए। मैंने आधे से कम ग्लास यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। नहीं तो क्या होगा ना, जब हम लोग बैटर बनाएंगे ना तो वो दाने दाने सी रहेगी, इसलिए सूजी का फूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ये जो डोसा रेसिपी है ना, ये बहुत ही झटपट बन के तैयार होती है। और क्या होता है ना, किचन में ज़्यादा देर तक रहने का मन नहीं करता कभी कभी, और कुछ अलग सा भी खाने का मन करता है। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको साइड रख देंगे, और अब हम देखते हैं हमारी जो टमाटर और प्याज है वो उसका क्या सीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी थोड़ा थोड़ा भुन गया है, और आप देख सकते हो टमाटर के ऊपर ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन कलर है, वो थोड़ा जला नहीं है वो सिर्फ। उससे क्या होता है ना, जो हमारी चटनी बनेगी ना उसमें बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। तो इसको अभी थोड़ी सी और रह गई है ये, तो हम इसको थोड़ा सा और भुनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी हमारी हो गई है, और मैं इसमें पहले नमक डालना भूल गई थी, तो मैं यहाँ पे अब नमक डाल रही हूँ। अगर मैं नमक पहले डाल देती तो ये और जल्दी सॉफ्ट हो जाता, पर कोई नहीं, हमारा ये टमाटर और प्याज भी हो गया है, पक गया है अच्छे से। तो फ्लेम को मैं अब बंद कर दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें इसको पीसना है ना, तो ज़्यादा पकाने की नीड नहीं है। फ्लेम बंद कर दिया मैंने, अब ये ठंडा होगा तब तक हम देखते हैं कि हमने जो सूजी और पोहे को रखा था दही के साथ मिक्स करके, वो हो गया है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये भी अच्छे से रेडी हो गया है, रेस्ट कर चुका है। तो अब हम इसको जार में डालकर इसका अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। और इसमें एक बात ये भी है कि अगर आप लोग चाहो ना तो थिक सॉफ्ट वाला डोसा भी बना सकते हो, और क्रिस्पी जो डोसा जो हम लोग बनाते हैं वो भी बना सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐड नहीं करना है मसाले वगैरह। और देखिए इस बैटर जो है ना वो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, पोहे का कोई भी टुकड़ा इसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी बर्तन में, और जो जार में बचा हुआ बैटर है उसको भी हम लोग ट्रांसफ़र कर पानी से थोड़ा सा खंगाल के इसमें बर्तन में ही डाल देंगे, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे अभी सिर्फ मैं इसमें नमक मिक्स करूँगी, और अभी कुछ भी मिक्स नहीं करूँगी, और थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला था, फिर मुझे लगा थोड़ा सा और डालना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा नमक और डाला है। तो टोटल 1 चम्मच नमक यहाँ पे मैंने डाल दिया है, और इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं रख दूँगी। और यहाँ पे चटनी को भी मैंने जार में ट्रांसफ़र कर लिया है, थोड़ा सा इसमें जीरा डालेंगे। नमक पहले ही डाला है तो हमें कुछ ऐड नहीं करना, चटनी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी भी बन के तैयार हो गई है। चटनी में सिर्फ हम हरी धनिया से इसको गार्निश कर देंगे। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप लोग नॉर्मल डेज में भी इसको बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारी चटनी बन के तैयार है, लास्ट में हरा धनिया से गार्निश कर दिया है। और अब चलते हैं हम लोग अपने डोसा की तरफ। तो यहाँ पे डोसे के बैटर में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है, और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। हरा धनिया डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं ना आज बनाने जा रही हूँ डोसा कढ़ाई में, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला था और उसको वाइप अप कर दिया है। और देखिए ये बैटर को मैंने थोड़ा पतला कर दिया, क्योंकि मुझे क्रिस्पी डोसा चाहिए था। और जब हम लोग इसमें बैटर डालेंगे ना तो फ्लेम बिल्कुल लो रहना चाहिए, और कढ़ाई को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है। यहाँ पे देखिए मैंने बैटर फैला दिया है, और आपको इसको कटोरी वगैरह से फैलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से इसको उठा के थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर फ्लेम को तेज कर देना है, और थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है ऊपर से, आप लोग चाहो तो स्किप भी कर सकते हो।
और आप देख सकते हैं 5 मिनट बाद हमारा जो डोसा है वो बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हो गया है। आपको लग रहा होगा ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन है, पर नहीं, ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्पी और अच्छा बना था। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको इस तरीके से पलटा लिया है। तवे पे तो हम लोग हमेशा ही डोसा बनाते हैं, आज मैंने सोचा चलिए कढ़ाई पर ट्राई करते हैं। इसी तरीके से देखिए मैंने ये सेम दूसरा वाला भी बनाया है, ये थोड़ा सा मैंने जल्दी पलट दिया था तो ये थोड़ा सा पिचक गया था, मतलब राउंड राउंड शेप नहीं बन पाया था, पर हाँ क्रिस्पी बहुत बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। यहाँ पे हमारा डोसा बन के तैयार है, तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।